जयपुर के बस्सी कस्बे स्थित निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टेट हाईवे जाम कर दिया। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। जानकारी के अनुसार बांसखोर निवासी महिला को बस्सी के आरडी सिटी अस्पताल में प्रसव पीड़ा होने पर भर्ती करवाया गया था, जहां प्रसव के बाद उसे ब्लड चढ़ाया गया था, जिसके बाद हालत खराब होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया, जहां सोमवार को महिला की मौत हो गई। इन्होंने क्या बोला, तुम्हारे पास ओनली 10 मिनट है, तुम फैसला ले लो। अब इंसान 10 मिनट में क्या करेगा? 10 मिनट का नाम लेके इन्होंने 1 बजे ओटी में लिया। अब ओटी में इन्होंने क्या बोला कि 2 यूनिट ब्लड अरेंज करवाओ। हमने हाथों हाथ 2 ब्लड यूनिट जयपुर से रेफर करवा के 2 ब्लड यूनिट करवा दिया। इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, गुड़िया का हो गया। 29 तारीख को 1 बजे के 1:30 बजे के आसपास ओटी में पेशेंट यहाँ तक पेट खुला हुआ था पेशेंट को, क्योंकि वो इन्फेक्शन फैला हुआ था। इन्होंने बता नहीं, पेशेंट पीपीएच में गया है, पीपीएच में जाके शोक में गया, शोक में जाके इन्फेक्शन फैला पूरी बॉडी में। ये चीज हमें एसएमएस के डॉक्टरों ने बताई। जाते यहाँ से 3 दिन तक तो एडमिट किया नहीं इन्होंने, रेफर किया नहीं। आज सुबह 7 बजे रेफर किया है, 7 बजे रेफर करके एसएमएस में तो जाते ही पेशेंट को आईसीयू में दे दिया। बोले मरा हुआ, सारी गलती आरडी सिटी वाले डॉक्टरों की है। 3 दिन पहले यहाँ डिलीवरी ऑपरेशन से की है, और उसमें फिर जो ब्लड इसके गलत चढ़ गया, और रात को ले जाके गलत। किसने गलत चढ़ाया? हॉस्पिटल वालों ने। अच्छा, डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर का नाम तो आप मुझे कंफर्म नहीं है, अभी फाइल कौन लेके गए? ये अस्पताल वाले लेके गए। परिजनों को साथ में नहीं लिया गया? परिजन के लिए एक आदमी को ले गए, बाकी ये जाके डाल रहे।